हाँ जी, काला संधु फार्मर यूट्यूब चैनल ते फेसबुक भी पेज ते सारे भरावां दा मेरे वल्लों स्वागत है। अज आपां गल करदे आं गोभी दीआं किस्मां भी। चलो लंबी गल आपां बाद च कर लेंगे भी कदों कीड़ी वरायटी इह लगी हुई है। गोभी दे विच मैं खड़ा है भी कदों लाउण विच मेरे किसान भरा की करदे ने, जिहड़ा गोभी दा बीज हुंदा सियाल वाला वह गर्मी च ला देंगे ने, जिहड़ा गर्मी वाला बीज हुंदा वह सियाल दे विच ला देंगे ने। उन्हां नूं पता नहीं हुंदा भी कीड़ी वरायटी कदों लगनी है, फिर वह झाड़ नहीं दिंदियां ते नुकसान हुंदा क्योंकि आपां 6 महीने जां 3 महीने फिर वह जगह अपनी वेली व्यर्थ रह जाती है। आ जा जिवें यह आ सिंजैटा की 15x2 ये हुण खत्म है, यह गोभी खत्म हो गई भी माड़े मोटे फुल रह गए। तो इधरले पासे आ देसी बीज घर का तैयार किया होया भी 15x2 कदों लगती है सिंजैटा की, सिंजैटा की 15x2 जून दे विच पौध छिड़क दिओ, जुलाई दे विच ला दिओ ते देसी भी उदों लेट छिड़किया जाओ क्योंकि यह गर्मी नहीं झलदा, यह गर्मी झलदी है तो ये सहन शक्ति होंगी। पर ये कारण 2-3 है, एक तो यह फुल नहीं ढकती, फुल बहुत पीला बनता है, पीला फुल बन जाता जो अगे मौसम का फर्क पै जाता फिर ये फुलों का रंग थोड़ा थोड़ा चिट्टा हो जाता है। तो इनू रोग बहुत आता, एक मीँह देख के बाली मरती है खत्म हो जाती जो मीँह रोड़ी हों। तो साढ़े पिंड ढंडाल इनू जिमें बकरी पता लग जाता भी रोड़ी मीँह आ गया तो ढंडाल बकरी मैं एक लग जा, सरदूलगढ़ ढंडाल भी कहा गया ना, तो उवें इनू रोग ये मर जाती है ज्यादा मीँह नाल। ये पानी का निकास रखना पैंदा क्योंकि यह सावन भादो के महीने च मीहां का जोर हुंदा, देसी महीने उदों ये आपदे जोबण ते हुंदी आ पूरे ते, ते उहदा अपना नुकसान हो जाता। लग तो यह फरवरी च भी जाती है, पहला भी लग जाती है पर इन्नी कामयाब नहीं हुंदी क्योंकि यह फुल बहुत पीला बनाउंदी, मन उदों रिजल्ट नहीं मिलता, तो चंगा झाड़ नहीं मिलता। जिहड़ा झाड़ लैणा जे साडे मानसा एरिए दी गल करिए, सरदूलगढ़ दी इलाके दी गल करिए, साडे इह सोनू जून च लगी झाड़ देगी, जून दे विच पौध लगी, जुलाई च लगी झाड़ देगी। इनू बीमारियां भी नेक ही आउंदियां ने, बी भी इन्हां दे बहुत महंगे आ, जिवें यह 50,000 नूं किलो सिंजैटा की 15x2 ते देस दो देसी भी है जिहड़े वह 2000 तो चल पैंदे ते गोभी का बीज जिहड़ा हैगा वह 70,000 तक किलो वग जांदा। इन्हां दे सारियां गोभी ने किस्मां अलग अलग आ, सारियां दे रेट भी वक्रे वक्रे आ ते सारियां दा समा भी वक्रा वक्रा है, कदों केड़ी केड़े महीने च लगू कदों केड़ी केड़े च, सब दा मौसम भी देखना पैंदा है। जिवें सैमीनस दीआं वरायटियां हो गईआं, कैसपर दी वरायटी हो गई, सलाखां हो गई, गिरजा हो गई, ते जिहड़े भरावां नूं नॉलेज आ ओह भरा इन्हां दा पंगा लवे, नहीं जिन्हूं नहीं नॉलेज ओह पंगा ना लवे। कई वारी इह रास आ जांदी है, कई वारी रास नहीं आउंदी, जिवें ऐतकी झोने अगे लंघ गए तो 1509 जां 1692 जां बासपति किस्म ऐतकी इह पिछे रहेगी। तो आ जाए मीहां की इनू बहुत मार, एक ये बहुत वधिया भी यह एक फुल की थां 4-4 फुल बना जाती है जी 15x2 आ। देखो किन्ने किन्ने फटेर, जिमें जिमें आप फुल कट्टी जाए जे आप थलों यदि कलमना कट्टी तो छोटे 3-3, 4-4 फुल देखी प्रेम दिखा दे भी भलां की पाई है फुल बना दे, भलां की 100 ग्राम का, भलां 200 का, चलो वह तो जिमें बिकने। कोई छोटे फुल लैके खुश हों, कोई बड़े फुल जिदा बड़ा परिवार हों बड़े फुल लै लैंदा, जिहड़ा छोटा परिवार हों छोटा। तो सूंडी इनू बहुत ज़्यादा पैंदी है, सूंडी लई भी दवाइया करनिया पैंदियां ने गर्मी के समय के, अजक नहीं पैंदी क्योंकि ठंड उतर आउंदी है, तो अजक इहदा फुल भी साफ हो जाता, देसी बीज भी पा दिए चानना, इहदा थोड़ा जिहा फुल इहदा चिट्टा बनता दुध वर्गा, पर इहदा वजन वजन नहीं इहदे मुकाबले पैंदा, इह वध समा चल जूगी इह घट समा, क्योंकि इहदे इक फुल ते इक ही फुल लगूगा जिहड़ा देसी हुंदा गा। जिवें ये चीज़ां ने यह मन किन्नी वड्डी आ किन्नी कट्टी जाओ, जे साडे कोल 1 महीना लग्या, 1 महीना मन तुसीं काट दिओ 1 किला लग्या, 1 महीना तुसीं उहनूं जी नाल कट सकदे हो वधिया, तुहानूं जे चंगा रेट होवे तां चंगा तुहानूं इह झाड़ भी दिंदी आ, चंगे 4 पैसे भी बन जांदे आ। इह कई वारी तां चंगे पैसे, कई वारी मन मंदा होवे तां विच भी मन खतम वगैरह हो जांदे, ते इहनूं फंगीसाइड भी वधिया करने पैंदे आ, जिवें वायर दा एलियट हो गया, कैबरी टॉप हो गया, जां होर भी जिवें जिवें मीह पैंदा वह भी इहदे वल ध्यान रखना पैंदा है।
ਤੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਇਹ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਸਕ ਮਨ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 15x22। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਦੋਂ ਸੈਮੀਨਸ ਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜੈਟਾ ਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਸੀਪਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਘਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰਾਵੋ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਨੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ੇ।